ये आप ही देते हो जनता वालों, आपसे रिक्वेस्ट है ना लूट रहे हो आप ना लूटो। ठीक है वो कह रहे मैं कैथल में रहूंगा, कैथल में रहे अपने माँ बाप के पास रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारी बधाई में इंटरफेयर ना करें, हमारे मैटर में इंटरफेयर ना करें, हमारे बारे में अच्छी माड़ी बातें ना फैलाएं। किसी संविधान में ये नहीं लिखा कि किन्नर बधाई मांगेगा। वो गुनेगार भी रूपाली उर्फ अभिषेक है, उन्होंने ही हमारी गड्डी तोड़वाई है। अगर मैंने समझौता आज कर लिया ना सर, कल को वही रोड़ा है, ये भी जाएंगे बधाइयों पे, मैं भी जाऊंगी बधाइयों पे, जूत बजेगा सर वहाँ। हमने समझौता इसलिए कि वो बच्चा है नादान, उसने गलती में अपना ऑपरेशन करवा लिया है, हम भाई तुझे माफ कर देंगे, तू शहर में दंगे फसाद मत कर और क्या कहते हैं बधाई मत उठा, तेरी जीविका कहीं भी जाके अपनी जीविका चला सकता है तू। भाई हमने उसका चलान करवाया, दरखास्त भी हम तुझे बच्चा समझ के बाप, वो कहता जी मेरे पे कार्रवाई करो कार्रवाई, उसके पास लड़के गुंडे बदमाश नशेड़ी समय किए मेरे शहर के कुछ बंदे लगे हुए हैं, मैं फिलहाल उनका नाम नहीं ले रही हूँ, अगर जरूरत पड़ी मैं उनके बाकायदा फोटो आधार कार्ड नाम के साथ पेश करूंगी मीडिया के अंदर, कल को मेरे चेलों को मुझे या कुछ भी होता है तो वो चार पांच बंदे जिसकी मैंने कंप्लेंट की है, जिस कंप्लेंट में उनके नाम है वही जिम्मेदार है। मेरे शहरवासियों से यही विनती है कि किसी भी बात का मतलब उनका वो ना करा जाए। मैं किरण भारद्वाज प्रतापगढ़ कैथल पे रहती हूँ। आप उसको शामिल करना है या नहीं करना है? हम उसको आज शामिल कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, आज वो नकली किन्नर बन के आया है, कल एक उसके साथ थर्ड जेंडर वाला है पर्सन है, वो भी लिंक करवा के अपना आ जाएगा। शहर के अंदर मेरे कम से कम 150 हैं, 150 डेली का एक ऑपरेशन कराएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। कैथल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है कैथल, कैथल इतना सा है, ठीक है। और ना ही हम नकली किन्नरों को कहते ना, हम नकली किन्नर है, इनकी डॉक्टरी कराई जाए, इनका वो करा जाए, कोई ना प्रशासन हमारे साथ जो करना चाहता कर सकता है, हम हर एक चीज के लिए तैयार है प्रशासन के साथ। प्रधान जी एक बात निकल के आ रही थी कि आप उसे कुछ समय के लिए ढांड जाने के लिए कह रहे हैं दूसरे शहर, वो क्या बात थी? सुन मेरी बात, वो प्रशासन ने बोला है कि भाई ये आप अपना लिंक कटवा चुका है या ऐसा बन चुका है, अभी ये कहीं खाने कमाने जोगा नहीं है, तो आप इसको माफ कर दो या आप अपने टोली में मिला लो, किसके साथ रहेगा खाएगा, इसी वजह से ये प्रशासन ने बोला हमारी बात करवाने के लिए। चल कोई नहीं, मैंने इसीलिए बच्चा समझ गया, चल कोई नहीं, जब इसने इतना बड़ा कदम करवा लिया, अपना चक लिया कदम, तो कहीं ना कहीं जाके अपना खा कमा सकता, दो रोटी खानी है, शहर में रहेगा, दंगा बढ़ेगा, फसाद बढ़ेगा, इस दंगे फसाद को रोकने के लिए हमने ऐसा करा कि भाई तू डांड जाके रह सकता। उस बात पे भी एग्री नहीं कि मैं कैथल का बच्चा हूँ तो मैं कैथल में ही रहूंगा, कैथल का बच्चा तो कैथल में सरकार भी जॉब करती है, सरकारी नौकरी करती है, पुलिस प्रशासन अगर वो अपनी मर्जी से जॉब अपने गांव में या अपने शहर में करवाने लगे तो सरकार करके देगी क्या उनको? ये सरकार की ड्यूटी है, जहां मर्जी उनकी ड्यूटी कर सकती है, उनको भेज सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे किन्नरों में मैं माँ प्रतापगढ़ की कैथल जिले की मैं मालिक हूँ, प्रतापगढ़ पर रहती हूँ, मेरे चेले हैं ये, मेरे भाई गुर भाई आए हुए हैं, मेरे जगाधरी यमुनानगर से संढोरे से आए हुए हैं, ठीक है, पंचायत में पोटे से छछरौले से आए हुए हैं, तो हमारी बिरादरी में पंच में बैठ के हम करते हैं भाई किस चेले को कहाँ का एरिया देना, कहाँ बिठाना, कहाँ नहीं, ताकि वो अपना जीवन चला सके। तो विवाद कैसे सुलझेगा ये? विवाद ये सुलझेगा कि बच्चा है वो हमारी बधाई ना उठाए, शहर में दंगे फसाद ना करे, अपने इज्जत से रहे, जैसे पहले जागरण करता था, प्रोग्राम करता था, अपने प्रोग्राम करे, जागरण करे, अपना कमा के खाए, ये हमारे को पूछ के नहीं, वो किन्नर बनाओ कहते ना मेरे पास प्रूफ है, ये लाली और ये मंजीत है, वो फोटो दिखाता है, हाँ कोई बात नहीं, घर में सबके बच्चे को हम ऊपर से नहीं पढ़े, हम भी माँ बाप से पैदा हुए, हमारी रगों में भी माँ बाप का दूध और खून दोनों ही है, कोई हम ऊपर से नहीं पढ़े हैं, कौन कहता है कि भाई हम ऊपर से पढ़े हैं, हम माँ बाप से ही पैदा हुए, माँ बाप भी हमारे नाम रखते हैं, किन्नरों में भी नाम होते हैं, और कहते हैं नकली और फलाना ढिमकाना वहाँ जाके मांगर, वहाँ जो हमारे गुरु 25-26 साल से परंपरा गद्दी बाई गद्दी बिठाते हैं, हम वैसे ही मांग रहे हैं। अगर शहर में हमने कोई गलत काम दंगा फसाद अगर हमारी वजह से हुआ, कोई अगर शहरवासी कहे तो प्रधान जी एक नकली किन्नर है वो है, हम थोड़ी हैं जी, हम नहीं है, वो उसने ना अपने आप बोला कि मैंने खुद होकर उसमें सिटी थाने में भाई मैंने 3 महीने से अपना लिंक जेंडर चेंज किया उसने, अब उन्हें हमारे से पूछ के नहीं किया, कोई हमारे साथ उसकी फोटो कोई आईडी प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, कोई हमारे पास वो रहा नहीं, तो वो जबरदस्ती हमारे जैसा कैसे बन सकता है, किन्नर बन के कैसे मांग खा सकता है? उसने कहा है कि वो पहले आपके साथ काम करते थे, लाली के साथ काम करता था, वो रहता था, हमने बिगाड़ा उसे, लाली के साथ उसकी कोई मूवी
कोई फोटो बधाई पे नाचते हुए गाते हुए या हमारे घर में कॉल डिटेल हो, कोई कॉल डिटेल हो तो कर सकता। शहर के अंदर दुनिया है, दुनिया रातों को पार्कों में घूमती है, जजमानों के फोन आते हैं हमारे पास, ये आपके किन्नर घूम रहे हैं, हम जाते हैं उनको समझाते हैं भाई तुम्हारी ये बात गलत है, तुम लोगों को लूटते हो या करते, इसका फर्क हमारे पे इसी बात का। और आप कहते हैं ये देखो सुनो जिसके बाद चेंज आई है, मैं बोल रही मनजीत किन्नर कैथल से, जो ये कह रहा है ना कि मैं क्या नाम लेगा, इन्होंने मेरे को बिगाड़ा है और ये मेरे को ट्रेनिंग देते थे वो देते थे, आज से ये कम से कम 9 महीने पहले की वीडियो दिखा रही, जो दिवाली का बाजार नरवाना में जाके इसने सूट पाके मांगा, क्या हमने इसको बोला था नरवाना जाके मांग, ये देखो फिरोजी कलर का सूट डाल रखे ने, कट स्लीव सूट पाके नाच रहा, ये अभिषेक उर्फ रूपाली जो बना हुआ है, ये आज से 9 महीने पहले किसकी वीडियो जो नरवाने में इसने नाच गाना कह के, हमने इसको कहा था तू वहाँ जाके भी कर, ये इसका स्वरूप से इसका काम है सर, इसका पैसा है, ये जानबूझ के हमें बदनाम कर रहा है, और ये देखो जो लड़कों के साथ है और ये इनके साथ ये काम करता था, ठीक है, जागरण का, ये इसमें राधा बना हुआ है, किसी में पार्वती बना हुआ है, किसी में ये बना हुआ है, ठीक है, ये इनकी वीडियो और है, मेरी प्रशासन से और कैथल वासियों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप सोच समझ कर और देखभाल कर ही बधाई देना, ठीक है ना, ये मैं कहना चाहती हूँ। और जो हमारे मालकों की इसने गुरुओं की छवि खराब करी है ना, जो छवि खराब करी, रेपुटेशन डाउन करी है, कर रहा है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है, हमारे साथ सारे आल इंडिया के आल इंडिया लेके किन्नर हमारे साथ लगे हुए हैं, देखो जैसे रेशमा माई, देखो हाँ जी, देखो ये हमारे साथ गद्दी नशी किन्नर आल इंडिया के जुड़े हुए हैं। हाँ जी, मैं रेशमा महंत जगाधरी यमुना नगर से हूँ और किरण भारद्वाज के साथ पूरा किन्नर समाज है, वो अपनी जगह सही है, गद्दी नशीन है, कैथल प्रताप गेट पर रहती है, पूरे शहरवासियों से हाथ जोड़ के विनती है उनका साथ दिया जाए, उनके साथ हो, हमारी परंपरा चली आ रही, गद्दी पे गद्दी चली आ रही, जब से दुनिया हमारे कैथल में, जब से हमारे बुजुर्ग बाग कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे कैथल वासी हैं सबसे मेरे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि देखो इंसान एक बार बधाई बहुत मुश्किल से देता है, दोबारा बधाई कैसे देगा, तो उनसे मैंने यही कहना है कि हमारा एक विजिटिंग कार्ड होता है जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, हमारा एड्रेस होता है, उस एड्रेस से पता करके हमें कॉन्टैक्ट करके फिर बधाई करता है ना, तो किन्नर भी एक हर एक काम होते हैं, हमारी सिर्फ कोई बधाई का ही काम नहीं है, हमने गाय भैंसे भी रखे हुए हैं, हमारे सिर्फ बधाई से गुजारा नहीं होता है, हमारे गाय भैंस रखे दूध हम बेचते हैं, घी हम बेचते हैं, हम इन चीज़ों से भी अलग हमारी एक कोई समझदार है, सोच समझ कर जो कुछ करना अच्छा करना, ठीक है ना, एक तरफ एक का नकली किन्नर, एक तरफ सारे इतने गद्दी नशी किन्नर। अभी अभी आप बता दीजिए कि अब जैसे दोनों पक्ष जो है सिविल थाने में है, हाँ, तो क्या आप क्या चाहती है कि वो क्या फैसला करें? हम ये चाहते हैं, देखो वो ठीक है, वो कह रहे मैं कैथल में रहूंगा, कैथल में रहे, अपने माँ बाप के पास रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारी बधाई में इंटरफेयर ना करें, हमारे मैटर में इंटरफेयर ना करें, हमारे बारे में अच्छी माड़ी बातें ना फैलाएं, मुझे मिलना, मैं तुम्हारे साथ बहुत बहुत हिल्ला करूंगी। अच्छा, इस वीडियो के अंदर खुली धमकी दी है इस वीडियो के अंदर हमें। अच्छा, वो गाड़ी के गाड़ी का गाड़ी, गाड़ी का जो गाड़ी है, अब मेरी बात सुनना सर, मैं हूँ, मैं घर पे बैठ जाऊंगी, मैं किसी बंदे को पैसे दे दूंगी या कोई मेरे लिए कुछ और काम कर देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुना मैंने नहीं किया, वो गुनहगार भी रूपाली उर्फ अभिषेक है, उन्होंने ही हमारी गड्डी तोड़वाई है, और जिनमें से एक बंदा हमने पहचाना भी था, विक्की उर्फ मुर्गा जो अभी उसके साथ लगा हुआ है, वो लड़का वारदात में, सुनो मेरी बात, घर पे खाने के लिए अट्टा नहीं है, आप सुनो मेरी बात, वो कह रहा है घर पे खाने के लिए अट्टा नहीं, वो बधाई उठा के ला रहा है, हमारे 11,000 5,000 2,000 जो भी उसको दे रहे हैं, वो चोरी छुपे लेके आ रहा हूँ, वो कहाँ जा रहा पैसा, वो तो 1100 बिल्कुल भी नहीं, वो तो औरतों को बिल्कुल भी नहीं, वो 7,000 भी लेके आया, वो 11,000 भी लेके आया, 5 भी लेके आया, 2 भी लेके आया, 3 भी लेके आया, ये तो आपको गुमराह कर रहा है, वो मीडिया को और पब्लिक को गुमराह कर रहा है, वो जिस लड़के ने अपना लिंग परिवर्तन करवा दिया 21 साल की उम्र में, वो क्या नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और इस समय सिविल लाइन थाना 21 सेक्टर में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ है रूपाली, यानी कि किन्नरों के इस झगड़े में एक नया मोड़ आया है और आज दोनों पक्ष इस नए मोड़ में आज यहां पर आए थे, क्या कुछ समझौता हुआ है और क्या कुछ आज नया मोड़ आया है, इस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज यहां पर दोनों पक्ष को यहां पर जब बुलाया गया तो क्या कुछ फैसला हुआ? कुछ फैसला नहीं हुआ सर, यहाँ पे वो आए, हमें भी बुलाया गया, ऊपर से वो कम 50-60 किन्नर आ गए यहाँ पे, ठीक है, आके मुझे लग गए कहने भाई हाँ क्या है, ज़बरदस्ती मुझे लग गए कहने भाई तू डांड जा, डांड दे देंगे तेरे को, डांड बग जा, डांड जो सलमा माई रहती है वहाँ पे चला जा,
डांड बसा ले, डांड बस जा, मेरे को डांड 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 करके ही रखे। जब मैं डांड जाना नहीं चाहती, मैं कैथल के बच्चा हूँ सर, मैं यहीं पे रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। ये मेरे को ज़बरदस्ती कर रहे हैं वहाँ पे भेजने की, और सरे सरे आम मेरे को धमकियाँ दे रहे थे अंदर बैठ के। इनके साथ एक बंदा भी आया हुआ था, वो सरे आम मेरे को धमकी दे रहा था, नुको ए गणा रिफल रहा गुंडागर्दी पलार के, नुकत ना नुकत बाहर निकल, नुका ये तो मारेंगे मारेंगे, नुका मैं मारूँगा तना। सर सरे आम धमकी दे रहे हैं मेरे को आके, ये कम से कम 50-60 किन्नर आते हैं सर जी। रूपाली जी, जब हमने आपकी खबर चलाई तो कमेंट बॉक्स में भी आपकी बातों पर गौर फरमाया गया, दर्शकों ने आपको समर्थन भी दिया। तो जब आपने 500-1100 वाली बात कही, वो लोगों को रास भी आई, पसंद भी आई, तो कहीं ना कहीं उस बात से दिक्कत तो नहीं आई? हाँ जी, उस बात से ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये लेते हैं 21,000। आज ये इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियाँ, इतनी इतनी चैने यहाँ पे डाल के आए हुए थे, तो ये आता कहाँ है सोना? ये आप ही देते हो जनता वालों, आपसे रिक्वेस्ट है ना लूट रहे हो आप ना लूटो, आपसे रिक्वेस्ट है आप 1100-1500 ही दो, क्योंकि ये हक है। किसी संविधान में ये नहीं लिखा कि किन्नर बधाई मांगेगा। तो जिस तरीके से पता चले कि इनका एरिया बटा हुआ होता है, ये किस तरीके से बटा हुआ होता है, कौन इनको बांटता है? कोई मुझे पता ही नहीं, ना प्रशासन ने बांट रखा, प्रशासन ही शहर का मालिक होता है, प्रशासन ही सब कुछ मतलब काम करता है। खुद के रूल और खुद ही मतलब हाँ, खुद के ही रूल उनके हैं, खुद के वो अदालत है उनकी, खुद के ही वो मालिक है। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे गुंडागर्दी करेंगे, ये गुंडागर्दी सर पब्लिक वालों से रिक्वेस्ट आप चलने दोगे? मेरे पब्लिक वाले वो थे 50-60 किन्नर, मैं सर अकेली हूँ, मैं उन पे सर वो मेरे पे भारी पड़ रहे हैं। आप पब्लिक कैथल वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा साथ दिया जाए, अगर मैं नाजायज़ कर रही हूँ मेरे को यहाँ से बाहर निकाला जाए, अगर मैं जायज़ कर रही हूँ तो मेरा साथ दिया जाए। तो अभी प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? प्रशासन ने अभी मेरे मामले में कहा कि आपके किन्नरों के मामले में तो हम बोल नहीं सकते, हम कर सकते हैं कार्रवाई। किन्नरों के मामले में मतलब जो बधाई मांगने हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो आपसी निबेड़ो तुम। तो फिर इस अंदर आपसी कैसे निबेड़ा होगा, क्योंकि आप तो अकेले हो और वो ज्यादा संख्या में। कोई बात नहीं सर, मैं बधाइयों पर जाऊंगी सर, ये मार देंगे और इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता सर। मतलब आपका कहना ये है कि आप कैथल छोड़ के नहीं जाऊंगी? नहीं जाऊंगी सर, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, अपने बाप की धर्म भूमि छोड़ के मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगी। तो आगे आपका क्या कुछ फैसला है? आगे मेरा ये फैसला है सर, मेरी जान से बहुत मेरे को खतरा है, सभी जनता वासियों से कैथल वासियों से मेरी रिक्वेस्ट है, दिल से हाथ जोड़ के मेरा साथ दिया जाए। मैं बल्लू पीर के पास रहती हूँ, ठीक है, बल्लू पीर वाली गली में, मेरा साथ दिया जाए सर, मैं बहुत मजबूरी में हूँ। तो जिस तरीके से आज वो 50-60 जने जैसे आप बता रहे हो कि भाई वो आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या फैसला लिया, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने तो उनकी तो जिद यही है कि तू कैथल से बाहर जा, कैथल से बाहर निकल, कैथल में तेरा कुछ नहीं है, कैथल में ना तू बधाई मांगेगी ना बधाई लेगी। क्यों सर, मेरा हक नहीं है, मैं कैथल की बच्चा नहीं हूँ, ये तो सर बाहर के आके यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसका मतलब कैथल की कल को किसी को भी कहेंगे कि भाई तू कैथल छोड़ के बाहर जा, कल को तो किसी बच्चे को भी कह देंगे वो कैथल छोड़ के बाहर जाए, से थोड़ी ना सर होता है, जो कैथल का बच्चा हो तो कैथल में ही रहेगा, ये तो गुंडागर्दी मचा रखी है सर इन्होंने। आप उनके साथ समझौता क्यों नहीं करते कि भाई मुझे? अगर मैंने समझौता आज कर लिया ना सर, कल को वही रोड़ा है, ये भी जाएंगे बधाइयों पे, मैं भी जाऊंगी बधाइयों पे, जूत बजेगा सर वहाँ पे, ये मेरे को मार देंगे जान से। मेरे को सर रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी जान का खतरा है मुझे खुद से ही, कि मेरी जान बचाई जाए, सभी से रिक्वेस्ट है जी। दोस्तों, ये वो रूपाली है, यानी कि दूसरा पक्ष है, पहले पक्ष ने आरोप लगाया था कि हमारी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है और रूपाली के द्वारा ये तोड़फोड़ की गई है। रूपाली ने फिर अपना पक्ष हमारे चैनल पर रखा, बहुत मजबूती के साथ रखा था, मजबूतों के साथ रखा था और लोगों ने सराहा भी था। चलो ये बात रही खबर की, लेकिन इसके अलावा यदि आप आगे डांड की बात कह रहे हो कि भाई डांड मैं नहीं जाऊंगी, कैथल आपको बधाई नहीं मांगने देंगे वो, तो फिर कैसे क्या देखे जनता भाई, बधाई आपको दें या उनको दें? नहीं नहीं, मैं तो जनता वासियों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1100 रुपए से अलावा किसी को ना दें, 1100-1500, चाहे वो रूपाली हो, चाहे वो कोई भी XYZ, चाहे या कोई और किन्नर समाज। हाँ जी, आप ये चाहते हो कि भाई 1100 बधाई फिक्स कर दें? हाँ, 1100 बधाई फिक्स कर दें। और ये जो दुकानें वाली बात है सर, ये दुकानों पे 500-500 रुपए लेते हैं, छोटी दुकानें दे 10-20 रुपए, बड़ी दुकानें होती हैं जैसे शोरूम वगैरह हो गए, ये असुनार वाली दुकान होगी, ये दे 500 रुपया जी। तो ये थे हमारे साथ दूसरा पक्ष रूपाली जी, जिन्होंने अपने विचार रखे और कहा कि भाई बधाई फिक्स कर दें, और इन्होंने अपनी जान का भी खतरा बताया।